साइमा बिल्डर वाले, बहुत अच्छे आदमी निशान जकी साहब जो उसके ऑनर है, उनसे आपकी मुलाकात अब तक नहीं? नहीं, मैं उस्मान साहब के अंडर हूँ तो मैं उन्हीं के अंडर काम करता हूँ। पता है कि टिकटॉक की दुनिया के शहनशाह उनके इदारे में नौकरी करते हैं? नहीं नहीं पता। नहीं, मैं निशान को बताता हूँ। वेलकम टू न्यू व्लॉग। अभी जो है बस रेडी हो गए, अब निकलेंगे, बल्कि निकलने से पहले अपनी छोटी शहजादी के साथ जरा सा मुलाकात करेंगे। आजो 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 आजो, गाड़ी की चाबी लेके आजो, जल्दी आजो जल्दी आजो। कहाँ चले लाओ, कहाँ चले? गिर जाओगी, गिर जाओगी, डरा रही हो मुझे। अकबर बोलो, यश क्या बोलोगी? बोलो यश। मेरा नाम क्या है? यश नहीं है, अमान। गुस्से में अमान, अमान। चलो जिया को बुलाते हैं। जिया, जिया छोटी पप्पू को कैसे बुलाएंगे? आ गया जिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो जिया? मैं ठीक हूं, फर्स्ट क्लास। पता बहन को लेके जाओ, मैं निकलूं ऑफिस के लिए। इतनी बुरी हालत अपने कमरे की करके रखी हुई है। चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं आऊँ तो ये सारा साफ होना चाहिए। ओके अच्छा, ये हिस्सा है जिया का, ये हिस्सा है कोमल का। जिया अपने हिस्से की हालत देखो, कोमल तुम अपने हिस्से की हालत देखो, कितना खराब किया हुआ तुम लोग। अभी सीन ये कैमरी जाने का और अर्जेंट अर्जेंट में ये आने का और आपके लिए बेस्ट बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन, दूसरी कोई बात नहीं। ठीक है जी। और हमारा आपका गाड़ियों का हिसाब क्या होता है? सालों से, अठारह साल हो गए ऐसे ही, दोस्ती हमारी 20 साल से हो गई। हम तो बाहर वालों के साथ देखे, तू तो भाई दोस्त है अपना भाई। बस ठीक है, तो कार चेन से फिर मैं एक गाड़ी ले रहा हूँ, वो गाड़ी वापस जा रही है, ये वाली गाड़ी आ रही है, अब देखते हैं इस पे क्या करना। अच्छा भाई सीन ये है कि मुझे पीना था आलू बुखारे का शरबत, मैं भाई के पास आया, मैंने बोला यार मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब मैं शरबत मंगा चुका था, फिर मैंने देखा मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि गाड़ी चेंज हुई है। अब गाड़ी चेंज हुई है तो मुझे पता ही नहीं था कि इस गाड़ी में, मतलब मेरी जेब में पैसे नहीं है, गाड़ी में अमूमन इतने निकल आते। उसने बोला कोई टेंशन नहीं है, आप पी लें, तो हम इसको फिर बाद में इंशाल्लाह अच्छा सा सरप्राइज देंगे। ये मैं आ गया हूं मोबिलिंग की फ्रेंचाइज। इशू ये था कि मेरे पास जो है वो इंटरनेट नहीं था, इस मोबाइल में जिससे मैं ब्लॉग बना रहा हूँ उसमें मेरे पास डेटा था, लेकिन जो दूसरा मोबाइल है जिससे मुझे लाइव आना होता उसमें क्या हो रहा था कि मैं डेटा पे अगर लाइव आ रहा था किसी की कॉल आ जाए तो डेटा बंद हो जा रहा था। अब ये मेरे लिए बड़ा मसला एक चल रहा था, क्योंकि आप ब्रॉड जब जमा करते हैं तो लोगों को जमा करें फिर टेंशन हो जाती है, तो बस अब मैंने एक डिवाइस ले लिया मोबाइल की। अब आगे आपको बता दूँ, आज जो है वो हम आ गए शाराए फसल वाले वेन्यू पे, यहाँ पे दो तीन इवेंट्स हो चुके हैं और बाकी जो है वो लगे हुए हैं। कब की डेट है बाकी? दिसंबर में भी इवेंट्स हैं। आते भाई बैठे हुए, फराज भी यहाँ बैठा हुआ, आप लोग लाजमी यहाँ पे आए सारा फसल वाली जगह पे भी, और वहाँ पे अपना इवेंट बुक करें, कस्टमाइज वेन्यू लगाएं। रात के बजे रहे 9:30। अब ये कौन सा ब्लॉग है जो इस टाइम शुरू हो रहा है? मैं बैठा हूँ साइमा में, शाम 4 बजे से आया हुआ था और इस वक्त 9:30 बजे रहे, अभी निकलूंगा 2 बजे फिर शूट है। मैंने सोचा बहुत टाइम हो गया JDC चक्कर नहीं लगाया, तो चलो यार आज JDC का एक दौरा करके। दिस इज JDC फाउंडेशन। अच्छा ये सीन्स कुछ ऐसे हैं कि बता दिया था कि JDC के लिए निकल रहा हूँ, निकल गया था, पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह, जो काम था वो भी हो गया। ये दफ्तर है पूरा और यहाँ पे सारे बैठते हैं, जफर भाई ये बैठे हुए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाई आप कैसे हैं? ठीक है, आते ही नहीं है, आप लिफ्ट ही नहीं कराते गरीबों को। रूट है आ गया थोड़ा सा, पहले नहीं था, वो जब से बीमार हुए ना उसके बाद से क्या हुआ थोड़ा मकरूर हो गए, टाइम बहुत हो गया ना। कम कम टाइम दे रहे हैं आप? हाँ हैं, कहाँ गायब हैं? कहीं नहीं हूँ, यहीं हूँ भाई। क्या मसला चल रहा है? कुछ खास नहीं, बस ऑफिस, ऑफिस से घर। अच्छा है माशाल्लाह, आपने ग्रुप बड़ा अच्छा ज्वाइन किया साइमा बिल्डर वाले, बहुत अच्छे आदमी निशान जकी साहब जो उसके ऑनर हैं, उनसे आपकी मुलाकात अब तक नहीं? नहीं, मैं उस्मान साहब के अंडर हूँ तो मैं उन्हीं के अंडर काम करता हूँ। पता है कि टिकटॉक की दुनिया के शहनशाह उनके इदारे में नौकरी करते हैं? नहीं नहीं पता। नहीं, मैं निशान को बताता हूँ, तो आप इनके कौन से बैंक्वेट में होते हैं? मैं साइमा बैंक्वेट, मेन साइमा जो मॉल है मिलेनियम के साथ, मैं उस बैंक्वेट में होता हूँ, मीडिया पार्टनर हूँ। अच्छा साइमा मॉल कहाँ है ये? साइमा मॉल मिलेनियम के बिल्कुल साथ है। साइमा वो स्क्वायर 1 है, स्क्वायर 1 से पहले उसमें बैंक्वेट कहाँ है? सेकंड फ्लोर पे, फूड कोर्ट है फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे बैंक्वेट। अच्छा तो बस वहाँ पे हमें, मैं सर निशान पे तक मैसेज जाऊँगा, आपकी मुलाकात होगी, बहुत अच्छे नफीस आदमी है, बल्कि जो हमारे शाह फैसल में डायलिसिस सेंटर बन रहा है, जगह भी वही दे रहे हैं, मशीनें भी लगवा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत दे उनके काम में भी, कारोबार में भी,
और आपको अल्लाह इतनी ताकत दे कि आप इस तरह के मसाइल जो पिछले मैं तो कई सालों से देख रहा हूँ, आप इसको मजीद कंटिन्यू रख पाए। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, दुआ करना अल्लाह लोगों के फाइनेंशियल हालात बेहतर करे, लोग सपोर्ट करेंगे तो ये मशीनें चलेंगी, डायलिसिस की, ये लैब की मशीनें, ये मुर्दा खाने, ये ब्लड बैंक, ये थैलेसीमिया सेंटर, ये दस्तरखान, ये ITCT, ये स्कूल, ये एम्बुलेंसें, ये मैयत बसें, फ्री ट्रांसपोर्ट, सब फ्री है भाई। असल में मुझे पता है क्या लगता है ज़ाती तौर पर, ये सारी चीज़ें तो हैं और लोग जो हैं वो तावुन करेंगे भी, करना चाहते भी हैं, वो बीच में कहीं ना कहीं कोई गाफिल हो जा रहे हैं, मतलब इरादे भी करते होंगे और हाँ, और परवरदिगार आलम डालता लोगों के दिलों में, लोग आते हैं जुड़ते हैं तभी अब तक यहाँ पहुँचे हैं, ऐसे ही हकीकत है। तो इतने झूठे प्रोपेगेंडे, साजिशें, जान से मारने की धमकियाँ, क्या कुछ नहीं फेस कर रहे हैं। सही है, हम तो नहीं पूछते कसूर क्या है, वो कहते हैं काम बंद कर दो गरीबों के, तो गरीबों के लिए काम बंद कर दे तो करेगा कौन। वो कह रहे हैं गरीबों पर सिर्फ सियासत हो सकती है। अच्छा, गरीब सिर्फ इसलिए कि उस पर सियासत करते रहे, हाँ पॉइंट स्कोरिंग होती रहे और कुछ भी नहीं होगा। सर मैं जो मेडिसिन खाता हूँ उसकी किस्त बनती है कोई 90,440 रुपए साल की, नहीं भाई हर क्वार्टर पे आपको पे करनी है, और ये भी उस सूरत में जिस वक्त 11 महीने के पैसे माफ है, 3,72,000 रुपए आपको पे करने हैं साल के। अगर कोई बंदा जिसकी 50,000 तनख्वाह हो, उसके घर पे किसी को भी कैंसर हो जाए, मैं अभी सिर्फ एक मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, इसमें बीपी की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ कुछ भी शामिल नहीं है, हम मेरे हिसाब से नहीं कर सकता, कुछ भी कर ले। मैंने एक दफ़ा आपसे पहले, ये आपके वाइट सेल्स को कंट्रोल रखती हैं और आपकी जो चीज़ें ब्लड कैंसर के अंदर, तो ये दवाई यूज़ होती है, बाकी कैंसर्स का मुझे नहीं पता, उसमें भी इसी तरह की मेडिसिन ही होती हैं, लेकिन ये आपके खून को जो है वो कंट्रोल रखती है कि वाइट सेल्स आपके ज़्यादा बढ़े ना, लेकिन ये दवाइयाँ अगर आपकी मिस हो जाएँ तो आपके वाइट सेल्स इतने हो जाते हैं कि आपको बता नहीं था। अभी जैसे कि मैं सेंट्रलाइज एसी में बैठ रहा हूँ, लेकिन मुझे पसीने भी, हाँ ये कितना पसीना बह रहा है, हाँ तो ये मुझे पसीना आ गया, लगी भी अंदर, हाँ ऐसा लगता है कि बस वो कोई चीज अलग खोश कोट खोश को। अच्छा, बाल झड़ते हैं, इसके अंदर बाल गिर जाते हैं, वो स्टार्ट में होता है, मतलब अगर आपका बॉडी, हाँ अगर आपकी बॉडी ये चीजें बर्दाश्त कर ले। मैं भाई इसमें दो सूरतें भी, लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते, फिर लास्ट बिल्कुल बिल्कुल लास्ट पे जाके उनको डायरेक्ट ये वाली कीमो लगती है और वो खत्म हो जाते हैं। और मेरे हिसाब से तो कराची का या पाकिस्तान का 70% आदमी ऐसा है जिसके कैंसर डायग्नोज ही नहीं हुआ, उसको पता ही नहीं लगा, बस लोगों ने बताया जी ऐसा हुआ, बुखार चल गया, 8 दिन बुखार में रहे, इंतकाल हो गई। अब किसी ने वहां तक पहुंचे ही नहीं कि बोन मैरो का टेस्ट कराएं तो पता लगे भाई इनको कोई इस तरह की बीमारी। बोन मैरो का टेस्ट 76,000 का किसी हल्की जगह पे, और अगर आप अच्छी जगह करा लें तो भाई कोई 1,00,000-1,25,000 रुपए का है। मतलब तो लैब खोली फ्री, तो सब इतनी प्रोफेशनल लैबें खुली ना, कमाई वाले धंधे सबकी चीखें निकलेंगे कि फ्री लैब खोल दिए इसने, 8,000 रुपए की मशीनें लगाई हैं, चाहता क्या है ये, और बड़े प्रोपेगेंडे अभी से करने शुरू कर दिए लोगों ने। वो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं आपको बताऊँ, ये जितने लोग मुखालफत करेंगे ना उतने ही JDC का नाम ऊपर जाएगा, उतने ही आप ऊपर जाएंगे, क्योंकि आप देखे मुखालफत से डरने वाले होते तो उस वक्त डर जाते जिस वक्त आप पे हम लोग की तैयारी की, और बस एक आदमी डरने वाला ही नहीं है तो उसको क्या डराना कोई। खुदा के भरोसे लगे हैं और हमें खुदा की जात पे पूरा भरोसा है कि आप अपनी पूरी जिंदगी खुल के जिएंगे इंशाल्लाह, अपने बच्चों की खुशियां देखेंगे और आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह सेहतमंद होंगे, बिल्कुल हैं सेहतमंद इंशाल्लाह, और बिल्कुल सेहतमंद होंगे इंशाल्लाह, आपके साथ हैं। थैंक यू, आपका शुक्रिया।